Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations, Peter. Thank God bless you. That's fine. Oh, God. Congratulations, Karan. Thank you. तुम घर में कितनी खुशियां ले आए. So happy for you. Thank you. Congratulations. Thank you. Mrs. Luthra, मेरे साथ में सेल्फी ले लो अभी. सेल्फी? या क्योंकि मैं आपके बेडरूम में तो दिखूंगा नहीं, टीवी पे देखना पड़ेगा. अरे यहाँ क्या खड़ी है? मिठाई लाओ, सबका मुंह मीठा करो. जी मम्मी जी, मैं अभी लाई. दादू मिठाइयाँ खाते रहेंगे, पहले थोड़ा डांस तो कर ले. गुस्सा नहीं पृथ्वी, क्योंकि ये जो गुस्सा है ना, ये तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है. और इस गुस्से के दरिये में ना तेरा बहुत कुछ बह गया है. तो गुस्सा नहीं, जस्ट बी नॉर्मल. कैसे नॉर्मल हो जाऊं मैं? ये लूथरास, इनकी औकात नहीं है. देखा नहीं किस तरह से रिएक्ट किया इन लोगों ने, किस तरह से बिहेव किया मेरे साथ, कितनी तकलीफ दी इन लोगों ने मुझे. उस करण और पिता की वजह से मैं जेल में था, सलाखों के पीछे था, तकलीफ में था. और आज जब मैं सलाखों के बाहर आया हूं, तब सब लोगों ने मुझे देख के भी अनदेखा कर दिया, इग्नोर किया मुझे जो इस घर का करता धरता था, इस घर का बॉस था, जिसकी एक आवाज पे सारे सदस्य थर थर कांपते थे, उसे इग्नोर किया इन लोगों ने. पृथ्वी, मुझे पता है कि घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया. पृथ्वी, सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, प्लीज अभी कुछ भी मत कहना, भूल जाओ. कैसे भूल जाऊं मैं? तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं किस तरह से बर्ताव किया उन लोगों ने मेरे साथ? मैं जेल से बाहर आया हूँ, यहाँ इस घर में किस तरह से बिहेव किया उन लोगों ने मेरे साथ? देख के भी अनदेखा कर दिया, मुझे इग्नोर किया, मुझे. हाउ डेयर दे. पृथ्वी, जस्ट काम डाउन. ये छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ. कृतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो ब्लैक कॉफी, आपको ब्लैक कॉफी चाहिए थी ना, तो मैं स्पेशली आपके लिए बना के लाई हूँ. एंड पृथ्वी जी, प्लीज डोंट माइंड, घर में इतने टाइम बाद खुशियाँ आई हैं, करण भाई इतने हैप्पी थे, तो सब लोग ना नीचे जरा आपको देख के ना, वो एक्चुअली आपको इग्नोर नहीं करना चाह रहे थे, किसी ने देखा नहीं था. बट ट्रस्ट मी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप घर वापस आ गए. लीजिए ना कॉफी, पीजिए. पृथ्वी जी, गेट लॉस्ट. यू हर्ड इट राइट, गेट लॉस्ट. पृथ्वी, क्या था? तुमने ऐसे बिहेव क्यों किया कृतिका के साथ? क्योंकि मेरे दिल को सुकून मिला. क्या? उसके घर वालों ने मेरी बेइज्जती की, मुझे तकलीफ दी, मुझे इग्नोर किया ना, मुझे तकलीफ पहुंची, वही तकलीफ मैंने इसे दी. इसके घर वाले जब जब मुझे तकलीफ देंगे, मुझे इग्नोर करेंगे, मैं सूद समेत उन्हें वही दूंगा जो वो मुझे देते हैं. पृथ्वी, तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, मतलब जब मैं कृतिका से स्वीटली बिहेव करता हूँ तब तुम्हें प्रॉब्लम होती है, जब मैं उसकी बेइज्जती करता हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है. नहीं, मतलब तुम्हें क्या हो गया है? जानता हूँ उसे शादी हुई है मेरी,
तो क्या सौतन की बेइज्जती सहन नहीं हो रही, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सौतन को सहेली बनाने का इरादा है? एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? सौतन? कृतिका की औकात नहीं मेरी सौतन बनने की। जिसकी औकात थी उसकी शादी तो करण से हो गई। तुम्हें पता है होली के दिन दोनों भांग के नशे में एक साथ एक ही कमरे थे। मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो एक साथ थे नहीं थे, एक कमरे में थे नहीं थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे डिटेलिंग मांगी क्या? मांगी क्या डिटेलिंग? देखो, मुझे बस इतना पता है कि करण और प्रीता की वजह से मैं सलाखों के पीछे था, जेल में था, मैं पृथ्वी मल्होत्रा, और ये पूरा लूथरा परिवार मुझे इग्नोर कर रहा था, देख के भी उन्होंने अनदेखा किया, उन सब ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। तो बस अब ना मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ ऐसा करूंगा जो ये लोग सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। इन सब का नाम और निशान मिटा दूंगा मैं। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे पूरी दुनिया दूसरा परिवार से नफरत करेगी, इन लोगों को ना उनकी जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। ऐसा क्या करोगे पृथ्वी? धमाका, ऐसा धमाका करूंगा इस बार जिससे ये पूरा परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। तुम ऑलरेडी प्लान बना चुके हो? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं बना है, पर अब मेरी प्लानिंग होगी शुरू। ऐसी प्लानिंग जिसमें इस परिवार का हर सदस्य खून के आंसू होगा, ऐसे आंसू होगा कि वो आंसू कभी रुकने का नाम नहीं लेंगे। ये पृथ्वी मल्होत्रा का वादा है, सो प्लीज तुम यहां से चली जाओ और मुझे मेरी प्लानिंग करने दो प्लीज। इतना बेशर्म है तू, मुंह उठा के फिर से वापस आ गया, चोरी के इल्जाम में अंदर गया। ची, 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 ची। कोई नहीं चाहता था तू वापस आए, लेकिन फिर से बेशर्मों की तरह वापस आ गया। शेम। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब बोलने से मुझे गुस्सा आ जाएगा और उनके गुस्से में रिएक्ट करूंगा, यू मिस्टेकन, क्योंकि मैं ईगो में आके ना खुद का नुकसान नहीं करता। मुझे जो बोलना है तू बोल सकता है, और मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ आके रहने में, तुम लोगों के बीच कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के लिए, जिसका नाम है कृतिका, इन केस यू फॉरगॉटन। तू भूल गया ना कि जहाँ तू गया था उसे क्या कहते हैं? ससुराल। अच्छा होता वहीं सेट हो जाता, बेटर था। यहाँ मोटा के पता नहीं क्यों आ गया। और हाँ, पुलिस स्टेशन में क्या कह रहा था सबको मेरे करियर के बारे में? 15 करोड़ की रीओपनिंग में बिकाऊ मैं, 15 करोड़ लेकर आया हूँ, गोली भी लेकर आया था। सोच अब मेरी क्लास कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बात तय करता है। But I'm sure तू नहीं सोच पाएगा कि अब तेरी क्लास कहां से कहां पहुंचने वाली है। क्या करने का बॉस? इसे फेमस करना है, इसका टैटू अपने हाथ पे बनवा ले। ठीक है बॉस। तूने वो भेजा गाड़ी में रख दिया ना? जी भैया। चल रख, मैं आता हूँ अभी। ओके। अरे मॉम, आप सुबह सुबह मंदिर से भी आए? हाँ, मंदिर जाना आज बहुत जरूरी था। क्या बात है, ऐसा लग रहा है सारी मेहनत भगवान ने की।
मैंने कुछ किया नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये जो भी कामयाबी तूने हासिल की है ये तेरी मेहनत का ही तो फल है पुत्र। लेकिन एक बात कहूँ, भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी इंसान एक एक मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। उसका आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। और सच कहूँ तो आज इतने सालों बाद मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, मैं तो अपनी खुशियों को काबू नहीं कर सकती। आज तुझ पे नाज हो रहा है। थैंक यू मॉम। गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं दी करण लूथरा की माँ हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तुझे पता है आज अगर ऋषभ यहाँ होता तो कितना खुश होता। मेरे कहने का ये मतलब था कि खुशी से पागल हो जाता वो। एक मिनट नगमिया का पागल होने लायक बचा ही कहाँ है। पृथ्वी नाम की दुष्ट आत्मा जो रहती है, देखिए पहले मैंने ऋषभ को टैकल किया क्योंकि लूथरास के बिजनेस का करता धरता वही था। फिर आया बिजनेस का फेस बन के महेश लूथरा। बिजनेस करते करते आप भी इस उम्र में आके उस्ताद हो गया। बट थैंक गॉड मैंने उसकी उस्तादी भी निकाल दी, मतलब कि पागल कर दिया। अब बचा कौन? सबसे जूनियर यानी कि करण लूथरा। इसका जो मैं करने वाला हूं ना, करण लूथरा की मम्मी यानी कि राखी आंटी, आपका गर्व, आपका गुरूर सब धरा का धरा रह जाएगा। पृथ्वी यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां क्या कर रही हो? मेरा घर है, मैं यहां पर रहती हूँ। ओह वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब मेरे पास क्या कर रही हो? देखो सारे लोग ना मुझसे वैसे ही नाराज है, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और अगर ऐसे में तुम्हें मेरे साथ यहाँ देख लेंगे तो तुम्हें पता है ना आगे क्या बोलने वाला हूँ। तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। और हाँ, अच्छा ये होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तो कच पृथ्वी मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे मेरे पास सबसे बेस्ट फोन है पर मुझे DSLR क्वालिटी वाला कैमरा चाहिए। क्लियर? गुड। पृथ्वी तुम क्या करने वाले हो? अरे यार तुम जाओ ना यहां से, समझ क्यों नहीं रही हो? एक तीर शिकार दो। इस बार मैं जो कर रहा हूं उसे ना सिर्फ मैं अपना बदला लूंगा उस करण से बल्कि उसका करियर भी बर्बाद कर दूंगा। इस जूनियर लूथरा ने मुझे सलाखों के पीछे भेजा था ना, अब मैं इसकी जिंदगी अंधेरों के पीछे भेज दूंगा और परिवार को ऐसा ही दिखाऊंगा जैसे मैंने अपनी जी जान लगा दी करण को बचाने में, इस घर की खुशियों को बचाने में। और ये किरदार निभा के मैं लूथरा परिवार का हीरो बन जाऊंगा, पावरफुल हीरो पृथ्वी मल्होत्रा। पृथ्वी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर अपनी जुबान से बोलोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा। अरे कुछ पता वता लगाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ ना फैमिली के पास जाओ ना। तुम समझ ही नहीं रहे हो, कब से बोल रहा हूँ जाओ दूर रहो। समझ नहीं रहे, मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। अरे मुझे तुम्हें नहीं बताना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नहीं बताना है बस, जाओ तुम यहाँ से। सैमी, करण भाई आपकी वॉच आप भूल गए थे। सैमी तू ही बता ऋषभ कब आएगा? आपकी सेंचुरी पे। मैं मीडिया में अनाउंस करूंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा। चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। सुन प्रशांत तू ले जा। थैंक यू, गुड लक भाई। थैंक यू, थैंक यू। करण एक मिनट, ताई शक्कर। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। मेरा सिलेक्शन हो गया इसलिए? हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और मैं वाकई बहुत खुश हूँ, दिल से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करो, बहुत दिल से प्रैक्टिस करना। ओके सी यू। अरे करण, करण सुनो ना, तुम अभी प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो ना, मुझे प्लीज रास्ते में ड्रॉप कर दोगे? तुम रुको, भाई को डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें बाद में छोड़ दूंगा। लेकिन कहाँ ना छोड़ दूंगा भाई, आप जाओ। सी यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओह नो, ये कब आया और मैं भूल कैसे गई
कि ये भी एग्जिस्ट करता है। ओह, सो सैड। जानता हूं प्रीता, मुझे देख के तुम्हारा दिल टूट गया, तुम्हारी खुशियों में आग लग गई, पर यह तो कुछ भी नहीं है प्रीता, कुछ भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में जो आग लगाने वाला हूं ना मैं, वो तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। प्रीता, महिषी के डॉक्टर के पास जाना था, तुम साथ चलोगी? जी, ठीक है, मैं अभी पर्स ले आई। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता। ये क्या था? ऐसे पृथ्वी अंदर की तरफ क्यों भागा? कर क्या रहा है ये? जा रहे थे तुम? कहीं नहीं जा रहा, ये लो बैठ गया, खुश? वेरी गुड। क्या कर रही हो? ये चाबी दो, मैं कहता हूं चाबी दो। पागल हो गए हो क्या तुम? पागल हो गए हो क्या? कहां जा रहे थे बताओ मुझे कि तुम कहां जा रहे थे? मुझे बताया कि तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा है, और अगर तुम मुझे कृतिका की तरह उल्लू समझते हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम भूल गए हो कि मैं आज भी पहले वाली शोलन हूं, जिसे पता है कि पृथ्वी मल्होत्रा के दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई शातिर प्लान जरूर चलता रहता है, और उन शातिर प्लानों में मैंने बहुत मदद की तुम्हारी। हाँ, आजकल साथ नहीं दे पा रही क्योंकि कुछ भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं, जैसे तुम मेरे कंट्रोल में नहीं हो, कभी भी कुछ भी करते हो। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ऋषभ लूथरा से शादी करके मैं लूथरा की तरह बेवकूफ हो गई हूँ, तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि शर्लिन खुराना की जगह मैं शर्लिन लूथरा बन गई हूँ, तो मैं भी लूथरास की तरह तुमसे नफरत करने लग गई हूँ। तुझसे बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। गलत बात है, मुझे लग रहा था कम से कम तुम मेरा साथ दोगी, तुम मुझे समझोगी, पर नहीं, दूसरों की तरह तुम कह रही हो कि तुम दूसरों की तरह मुझे नफरत करती हो, धमकी दे रही हो कि अगर मैंने तुम्हें बताया नहीं तो तुम मुझे नफरत करने लगोगी, वो लूथरास की तरह। अनबिलीवेबल, तुम जानती भी हो मुझ पर क्या बीत रही है, क्या बीती थी दो दिनों से। मैं पृथ्वी मल्होत्रा जो राजा की तरह घूमता है वो जेल में था सलाखों के पीछे, और वहां पुलिस स्टेशन में किस तरह का बर्ताव हुआ है मेरे साथ तुम जानती हो? हाँ, इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर, कांस्टेबल ने तक मुझसे बुरा बर्ताव किया, और जब वो करण लूथरा वहां आया तो सब उसके आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहे थे, सबको ये लग रहा था कि वो बहुत बड़ा स्टार है, स्टार क्रिकेटर है। अरे कौन समझाएगा इन लोगों को कि स्टार का एस भी नहीं है वो, अरे उसके बैट पे बॉल तक नहीं लगता आज की डेट में। फिर भी जिस तरह से सब लोग उस पे प्यार बरसा रहे थे ना, वो देख के मेरा खून खोल रहा था। खून खोल रहा था? तो क्या सोचा है तुमने, क्या करना चाहते हो ये बताओ मुझे। शिकार, एक तीर से 2000 निशाने। पृथ्वी, एक तीर से दो निशाने मैंने सुने थे, ये 2000 क्या होते? एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दो। लूथरा खानदान का चश्मे चिराग कौन है? करण। राइट, करण लूथरा खानदान का आखिरी चश्मे चिराग है, क्योंकि महेश लूथरा तब ना के बराबर है, थोड़ा सा वक्त होश में रहता है और बाकी वक्त पागलपन के बेहोशी में रहता है। और रही बात तुम्हारे पति परमेश्वर ऋषभ लूथरा की, तो उसकी तो बात ही जाने दो, मतलब कोई नहीं जानता वो कहाँ है, और कभी पता चलेगा भी नहीं। तो बचा कौन? लूथरा खानदान का आखिरी चश्मे चिराग, यानी कि क्रिकेटर करण लूथरा।
अब क्या होने वाला है पता है? अब वो होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जो लूथरा खानदान का आखिरी चश्मे चिराग है ना, इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दूं। कुछ ऐसा करूं, उस जगह उसे चोट पहुंचाऊं जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। BCL आ रहा ना, वो क्रिकेट टूर्नामेंट, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रिकेटर करण लूथरा जम के खेलेगा यानी फिर से फेमस हो जाएगा। फेमस हो जाएगा तो फायदा सिर्फ उसको नहीं, पूरे लूथरा खानदान को होगा। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि एक तीर से कितने निशान है? बहुत सारे। मैं चाहता हूं कि इस लूथरा खानदान के चिराग से रोशनी की बजाय आग निकले। ऐसी आग जो सिर्फ इसे नहीं, इसके पूरे खानदान को जला के राख कर दे। तुम करण का खून कराना चाहते हो? अरे यार, उसे मारना होता तो 4 साल पहले मार चुका होता। पर उसे क्या मिलता? सिर्फ वन टाइम हैप्पीनेस। मैं उसे जिंदा रखूंगा ताकि मैं उसे रोज तड़पाऊं और रोज तड़पा तड़पा के मारूं।